कृषि कानूनों की वापसी को एक साल बीतने के बाद आज किसानों ने विजय दिवस मनाया। करनाल और अम्बाला में आज किसानों ने जमकर जश्न मनाया। कृषि कानूनों के खिलाफ जीती लड़ाई को एक साल पूरा होने पर एक तरफ अम्बाला में किसानों ने ट्रैक्टरबाज निकाला, जबकि करनाल के गांधी चौक पर बैठकर विजय दिवस मनाया गया। बता दें कि 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने 380 दिनों तक धरना दिया था और हाईवे के टोल प्लाजा पर भी बैठकर प्रदर्शन किया। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और इन कानूनों की वापसी को एक साल का समय बीत चुका है। किसानों का कहना है कि वो इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी जागरूकता भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने पूरी लड़ाई अभी जीती नहीं है। देखिए, 19 नवंबर सन 2021 को किसानों के 13 महीने के आंदोलन के उपरांत जो प्रधानमंत्री जी ने 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून लागू किए थे, उनको जो वापस लेने की घोषणा की थी, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज 19 नवंबर 2022 को पूरे देश में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का एक वर्ष पूर्ण होना, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कानूनों को वापस लिया था उसको जो विजय दिवस के रूप में आज पूरे देश में जो मनाया जा रहा है, उसी संदर्भ में आज हम भी करनाल जिला के जो किसान हैं, विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं, वो यहाँ पे एकत्रित हुए और विजय दिवस के रूप में उसको जो है मना रहे हैं। आज एसकेएम के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर जो पिछले साल 19 तारीख को मोदी प्रधानमंत्री जी ने एक जो काले कानून वापस लिए थे उसमें और किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि वो जो 3 काले कानून थे वो पूरे देश की ज़मीन को कॉरपोरेट के हाथ देने की कोशिश थी, और उसके अंदर किसानों ने, पूरे देश के किसान संगठनों ने, सभी समाज सेवी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वो 3 काले कानून वापस कराने में कामयाबी हासिल की थी। उसको अंदर पूरे देश की ज़मीनों को कॉरपोरेट को थाली में परोस कर देना चाहते थे, किसानों को भूमिहीन करना चाहती थी सरकार, लेकिन पूरे देश के लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। आज के दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी थी और वो काले कानून वापस भी किए थे। सो उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर एसकेएम जो है, इस आंदोलन का जो लड़ रही थी जो टीम, उसने आह्वान किया पूरे देश के अंदर, कहीं पैदल मार्च होंगे, कहीं ट्रैक्टर मार्च होंगे, कहीं मोटरसाइकिल मार्च होंगे, और रात को दीप मालाएँ भी अपने अपने घरों पर लगाई जाएंगी। ये उस उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम किया जा रहा है। जागरूकता होने के कारण ही और लोगों में उत्साह होने के कारण ही हम इस कार्य को कर रहे हैं, और आगे भी जब तक किसान सुखी नहीं होगा तब तक अपनी ज़िंदगी हम समर्पित कर रखी है किसान कौम के लिए, मजदूर के, व्यापारी के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था देश की किसानी के ऊपर चलती है। अगर किसानी बर्बाद हो गई तो देश को बर्बाद होने में देर नहीं लगता, बड़े बड़े देशों के उदाहरण आपके पास हैं। किसान नेताओं ने बताया कि किसानों की अभी भी कुछ मांगे अधूरी हैं, जिनमें MSP, किसानों के मुआवजे और किसानों पर दर्ज मुकदमे शामिल हैं। इन डिमांडों को लेकर पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के किसान अपने अपने राज्यपाल को 26 नवंबर को ज्ञापन सौंपेंगे। अम्बाला से अमन कपूर और करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।